हाँ, मुझे पता है, एक बार आए थे कहाँ? उनके घर में बैठे हुए। अच्छा, कौन बताया तुमको? तुम्हारे घर पे सांप है क्या? तुम्हारे घर पे है सांप? तो तुम लोग हम लोग का वेट कर रहे थे क्या? साइकिल से कैसे हो? पैदल पैदल तो गाड़ी में बैठ जाओ। चलो गाड़ी में बैठ जाओ, दोनों आ जाओ, दोनों दोनों। अच्छा बंद कर लो पैर के, चले घर का रास्ता बताना हम लोग को, इधर चलना रहेगा। अभी यहाँ से कितना दूर है घर आप लोग का? थोड़ी दूर पे है, इधर से मुड़ जाए। अच्छा अच्छा, नहीं सीधे चलना, सीधा पहले चार चक्का में। हाँ जहाँ फोर व्हीलर चल जाए वो रास्ता बताओ। अच्छा, हम लोग अगली बार बाइक से आए थे। कौन सी क्लास पढ़ते हो? पांच। पांचवी में? वो छोटा वाला? वो कौन सी क्लास? चौथी में। स्कूल जाते हो ना? चलो ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड्डू मौर्य सर मित्र पर। आज का रेस्क्यू कॉल हमें आजमगढ़ जिले के मठ बैजनाथपुर से आया है और हमें ऐसी सूचना मिली कि यहाँ पर ईंट के अंदर कोई बहुत बड़ा सांप दिखा गया है। एक्चुअली यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, ऐसे में कोई सांप दिखा गया तो बिना वो गवाही चलिए चल के देखते कहाँ पे और कौन सा सांप है, उसका सुरक्षित रेस्क्यू करने का प्रयास करते हैं। दिख रहा है क्या? अल्लाह का हुक्म ना। दो है, दो जोड़े हैं। दो ऐसा करिए, यहाँ से ये लाइन उठाइए। ऊपर भैया चढ़ा दाई दवा उधरा हर कुल कहाँ उधर तारा कहाँ पर है वो? इधर ही दो कुछ का एक और था, दो पूछ दिया, दो थे। कुछ कंफ्यूजन नहीं हुआ है? जोड़ा दूध
हटाइए ऐसा कुछ नहीं है माता जी, हमको कुछ नहीं करेगा, ये तो गलत बातें हैं। ये मत सोचिएगा कि हमारे ऊपर कोई, ये हम लोगों का बस एक तरह का पकड़ने का तरीका है। मारी मारी के हम कहे थे बहुत यहाँ सांप, तो क्या पता है सांप ना रही है तू लोग ना रहा, हमारे ना रहा जाए। तो खाली जगह पे लेके पैक करते हैं, लटका के छोड़ना ठीक नहीं है। तब तक आप लोग ईटा हटा दे, कुल फटाफट ईटा हटा दे, खोद के देख जाइए थोड़ा सा। आओ उसको हटाइए तब तक। अरे बाबू तुम भी छोड़ दो, बस बड़ा आप लोग ऐसे मत करने लगेगा, ठीक है? जैसे मैं पकड़ा हूँ, ये बात सोचिएगा कि नहीं वो पकड़ लिया तो मैं भी पकड़ लूंगा, ठीक है? किसी कोई ऐसा मत करिएगा। हमने कहा एक छोटा छोटा लड़का हूँ, ये लोग के लगल कि गुड्डू मोर आता था उस पकड़ने इनके ना काटा तरल हम वो पकड़ लेते, ऐसे में दुर्घटना हो जाए लेकिन के बताओ जाते। छोटा बच्चन का ना दिमाग काम कर रहा ना, हम आप समझदार ही समझा थे कि खतरा वाली चीज है, छोटा बच्चा होकर कहा जाना तुम कहा समझे तुम्हें ये बता समझाओ जाला। बहुत ज्यादा टाइम का एक्सपीरियंस है भाई ना, 10 साल का एक्सपीरियंस इनके पास है। रहेगा तो जरूर पकड़ा जाएगा, नहीं रहेगा तो अलग बात, हो सकता है उनको भी देखने में कन्फ्यूजन हो सकता है। एक बार के लिए हमें ऐसा लगा कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो दो सांप है, इसलिए हम लोगों ने सभी ईंटों को हटवा करके और मिट्टी के अंदर खोद करके देखा, लेकिन हमें कोई भी दूसरा सांप नहीं दिखाई दिया। ऐसा हो सकता है कि हमें देखने में दो सांप लगा हो लेकिन यहाँ पर एक ही सांप रहा हो, इसलिए हम लोग अभी जो सांप को रेस्क्यू किया उसको यहाँ से दूर ले जा करके उसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज करेंगे ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे ढंग से जी पाए। और यहाँ पर हम लोग सांप को रिलीज करने के लिए आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं ये जगह इसके लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। हमने पूरा प्रयास किया कि हम लोग इसके भोजन को बचा लें, लेकिन हम लोग इसके भोजन को नहीं बचा पाए। जैसे हम लोग इसको बैग में पैक करके वहाँ से निकले, इसने वॉमिटिंग कर दिया, जिसके लिए हमें इसका बैग भी चेंज करना पड़ा। और आप लोग देख सकते हैं जो सांप वो अपने अनुकूलित वातावरण में जा रहा है। आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।